फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारियां कैसी चल रही है, एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो यार, पिछले कुछ दिनों से जो है तुम्हारे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं यहां पे जो है मैं मेल चेक कर रहा था। कल मेल भी जो है मुझे 4-5 मेल जो है देखने को मिले, सिमिलर जो है वही वाला मेल था, सभी बच्चों के सवाल सिमिलर थे। तो आज जो है वो सारे सवालों को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है आज का वीडियो होने वाला है। लास्ट यहां पे जो है तुम्हारे पास मौका होने वाला है, ये चीजें कर लेना। बोर्ड ने काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर दिया है, सबसे पहले स्क्रीन पे तुम लोग देख लो। ये सर्कुलर जो आया है क्लास 10 के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना क्लास 12 के लिए। तो दोनों ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और यहां पे ऑथेंटिक जो सही वाली जो खबरें हैं वो मैं आपको इसी तरीके से अपने चैनल पे देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार जब सीबीएसई बोर्ड कोई आप लोग के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट दे तो वो सबसे पहले इसी तरीके से तुम्हारे पास यहां पे सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखो यार, यहां पे बात करें तो यहां पे सीबीएसई बोर्ड ने काफी सारी चीजें कह रहे की है, जिसमें बात करें तो तुमने से सभी बच्चों ने जो है एलओसी के यहां पे फॉर्म को भर दिया होगा। रजिस्ट्रेशन का फीस जो आपके स्कूल वाले मांग रहे हैं, अभी बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि उनकी फीस कितनी लग रही है। तो सबसे पहले जो है तुम लोग ये स्क्रीन पे देखो तुम्हें देना कितना है। तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, तो तुम लोग सबसे पहले देख लो। अगर तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है तो तुम्हें यहां पे 1500 रुपए देने हैं, और यहां पर अगर एक सब्जेक्ट तुमने एक्स्ट्रा ले रखा है, यानी कि तुम्हारे पास 5 नहीं बल्कि यहां पे तुम्हारे पास 6 है, तो तुम्हें जो है 300 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के 300 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। तो यानी कि 5 सब्जेक्ट है तो तुम्हें 1500 ही देना है। काफी सारे स्कूल वाले जो है बच्चों के, मैं तुम लोग के ही कमेंट देख रहा था, स्कूल वाले 4000 मांग रहे हैं, 5000 मांग रहे हैं, जाके दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली देना कितना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तुम्हें से सभी बच्चों ने जो है एलओसी का रजिस्ट्रेशन का जो पैसा है अगर दे दिया है, अगर नहीं दिया है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, और कितना दिया है ये भी बता देना। 5 सब्जेक्ट का 1500 लगने हैं, और अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तुमने ले रखा है तो यहां पे तुम्हें 300 रुपए और एक्स्ट्रा, यानी कि 1800 रुपए लगेंगे। और क्लास 12 के किस में बात करें तो सिमिलर उनका भी है, 5 सब्जेक्ट का 1500 और 6 सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले रखा है तो 1800 रुपए, और जितने भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम है हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 150 रुपए 150 रुपए आपके जुड़ते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से तुम लोग जोड़ के देख लेना तुम्हारे पास जो है कितने सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। अगर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री ही केवल है तो 300 रुपए और भी जोड़ लेना, 1800 में 300 रुपए जोड़ लेना, बस तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट निकल के सामने आ जाएगा कितना तुम्हें देना है। ये सर्कुलर जो है टोटल 29 पन्नों का है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जो है यहाँ पे सर्कुलर को, जिस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे 2 घंटा मुझे टाइम लगा तुम्हारे लिए यहाँ पे सारे पॉइंट को निकालने में जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम 2 घंटे बर्बाद मत करो, तुम लोग बस देख लो। मैं यहाँ पे जो है सारी चीजों को समराइज करके जो है तुम्हें यहाँ पे इन 4 से 5 मिनट में जो है बता दूंगा, और यही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो तुम्हारे टाइम जो है बचे इसलिए जो है सारी चीजों को समरी में यहाँ पे समझ लेते हैं। तुमने ये समझ लिया होगा अब तक, तुम्हारे ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि कितना मुझे पैसा देना है। अब दूसरा ये भी समझो, सीबीएसई ने कह रखा है कि सभी 10 के स्टूडेंट्स और सभी 12 के स्टूडेंट्स एक चीजों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितना तुम्हारे लिए नाम जो है एलओसी में जो है नेम और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है सर्कुलर का ये वाला पॉइंट। यहां पर देखो सीबीएसई ने कह रखा है कि 10 के हो या फिर 12 के स्टूडेंट्स हो, सभी क्लासेस में ऐसा है, ऐसा क्या है? तो यहां पे स्क्रीन पे तुम लोग देखो, तो यहां पे स्क्रीन पे देखोगे तो यहां पे सीबीएसई ने मेंशन कर रखा है, अगर 10 के स्टूडेंट्स हैं और आपने अगर हिंदी सब्जेक्ट को ले रखा है और आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, तो ये बहुत ही ज्यादा नीड होगा, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो ये चेक करें एलओसी में क्या सब्जेक्ट कोड मेरा ठीक है। यहां पे तुम लोग स्क्रीन पे अगेन देखो, अगर तुम्हारे पास हिंदी है और मैथ है तो तुम्हारे पास जो है यहां पर ये चेक करना जरूरी है कि तुम्हारे पास हिंदी है तो कौन सा वाला हिंदी है, हिंदी ए वाला है या फिर हिंदी बी वाला है, मैथ है तो कौन सा वाला मैथ है, मैथ स्टैंडर्ड तुमने सेलेक्ट किया है या फिर बेसिक किया है, अगर बेसिक किया है तो बेसिक का कोड यहां पर जो है चेक करना है एलओसी में, बेसिक वाला ही कोड को यहां पर भरकर जो है सीबीएसई बोर्ड तक पहुंचानी है। हिंदी ए ले रखा है तो हिंदी ए का ही कोड जो है सीबीएसई बोर्ड तक भेजनी है। अगर गलत हो गया तो क्या होगा, अगर गलत हो गया मान लिया जो है तुमने बेसिक ले रखा है और स्टैंडर्ड का कोड जो है तुम्हारे यहां पे सब्जेक्ट के बगल में जो है सीबीएसई बोर्ड के जो तुम्हारे स्कूल है उन्होंने लिख के अगर दे दिया,
तो तुम लोग का जो एग्जाम होगा वो स्टैंडर्ड का ही होगा। अगर हिंदी एक जगह जो है बी का कोड लिख दिया तो तुम्हें बी वाला पेपर मिलेगा, सभी बच्चों को जहां ए वाला पेपर मिलेगा तुम्हें बी वाला मिलेगा, और बी वाले की जो है कंप्लीटली अलग बुक भी है। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें 12 का भी जो है सिमिलरली इसी तरीके से है। हिंदी हो गया, यहां पे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट के कोड को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से यहां पर चेक करना है। तो दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहां पर सर्कुलर में मेंशन की गई है। वहीं हम बढ़े तो सर्कुलर में और भी काफी सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी यहां पे कह रखा है बोर्ड ने कि तुम्हारे पास यही वो सब्जेक्ट है 5, यही वो सब्जेक्ट है 6 जो होने चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास ये वाले जो है अगर सब्जेक्ट का यहाँ पे सेट है देन तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यानी कि क्या चीजें, यानी कौन सा सब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन बोर्ड अलाउ कर रहा है, कौन सा अलाउ नहीं कर रहा है, एक बार स्क्रीन पे अच्छी तरीके से ध्यान से जो है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखो, यहाँ पे सारी चीजें देखो। अब तुम लोग एक बार कमेंट करके नीचे बताना तुम्हारे पास जो है इनमें से कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है और कौन सा जो है नहीं है, एक बार कमेंट करके बताना। वहीं हम इस सर्कुलर के अगले पार्ट पे बढ़े तो अगले पार्ट भी यहां पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोर्ड ने यहां पे मेंशन किया है कि टाइम नहीं है, सभी बच्चे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे LOC को कंप्लीट कर ले। 18 अगस्त से ही जो है ये LOC भरना चालू हो गया था, 18 सितंबर को खत्म हो जाएगा। एक बार पूरा स्क्रीन पे देख लो, यहाँ पे डेट जो है 18 सितंबर है, तो 18 सितंबर से पहले सभी बच्चों की रजिस्ट्रेशन के जो अमाउंट है वो स्कूल में जमा हो जाने चाहिए, साइन हो जाने चाहिए, यानी LOC का सारा काम हो जाना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स ने करवा लिया है या फिर करवाने वाले हैं, एक बार कमेंट करके बताना। और अगेन मैं आपको कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इसी तरीके से तुम्हें मेरे चैनल पे देखने को मिलता रहता है और आगे भी इसी तरीके से मिलेगा। नोट्स भी मैं तुम्हें देने वाला हूं और गिवअवेज भी जो है मेरे चैनल पे जल्द ही अनाउंस होने वाला है। अब समरी करते हैं, पूरा समराइज करते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे सर्कुलर में कही गई है। पहला कहा गया है कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का 1500 और 6 सब्जेक्ट का 1800 लगेगा और 150 रुपए पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल के लगेंगे, तो ये पहला चीज कही गई है। दूसरा कहा गया है कि आप लोग के पास जो सब्जेक्ट है उसके कोड यही होने चाहिए। उसके बाद जो है थर्ड यहां पर ये कहा गया है कि यानी कि थर्ड वाले में यहां पर क्या कहा गया है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। और आखिरी में यहां पे कहा गया है कि डेट जो है यहां पे 18 सितंबर होने वाली है, तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग यहां पे देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।